जय श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 अगस्त 2020 तक का। सूर्य स्वराशि सिंह में प्रवेश करेगा। गुरु की दृष्टि सिंह पर होने से देश में व्यापार बढ़ेगा, जनता में विश्वास कायम होगा, त्योहारों का आगमन होगा, वर्षा जारी रहेगी एवं कीमती धातुओं के दामों में वृद्धि होगी। तेल एवं खाद्यान्न के दाम घट सकते हैं। एक काम की बात, शास्त्रों में उल्लेखित है कि गणेश का दर्शन पीछे से नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता एवं काम का वास होता है तथा सामने से उनका दर्शन करना सिद्धि बुद्धि प्राप्त कराने वाला होता है। अतः गणेश जी को कभी भी पीछे से नहीं देखना चाहिए, ना ही कभी पीछे से उनका दर्शन करना चाहिए। मेष राशि, आय अच्छी बनी रहेगी एवं संतान से सहयोग प्राप्त होगा। नए कार्य भी प्राप्त हो सकते हैं, स्थानांतरण का योग भी बना हुआ है। योजनाएं सफल होंगी एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बुधवार गुरुवार को कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है, स्व प्रयास से सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह अंत पुनः अच्छा रहने की संभावना है। परिवार के साथ भ्रमण पर जाने का मौका मिलेगा। प्रोफेशन में कारोबार बेहतर होगा एवं नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। शिक्षा में नई विधाएं जानने में अरुचि हो सकती है, सामान्य रूटीन से भी ऊब होने लगेगी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मामूली सरदर्द आदि की शिकायतें हो सकती हैं। प्रेम में प्रेमी साथी से अनबन समाप्त होगी एवं वैवाहिक जीवन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। श्री गणेश जी को लाल पुष्प अर्पण करें। वृषभ राशि, द्वितीय चंद्र सरकारी कार्यों को करवाने में सहायक होगा एवं द्वादश मंगल प्रभाव को कम करेगा। खर्च की अधिकता रहेगी किंतु आय भी अच्छी बनी रहेगी। रोजगार प्राप्ति में कठिनाई आ सकती है, नकारात्मक समाचार ज्यादा प्राप्त होंगे। सप्ताह अंत में कुछ अच्छी सूचनाएं भी मिल सकती हैं। परिवार सहयोग प्रदान करेगा एवं रिश्तेदारों में महत्व बढ़ेगा। छोटी यात्रा होने का योग है। प्रोफेशन में व्यवसाय में कर्मचारियों की समस्याएं दूर होगी एवं नौकरी में अनचाहा कार्य करना पड़ सकता है। शिक्षा में दूरंदेशी बनी रहेगी एवं टेस्ट में प्रदर्शन अच्छा होगा। प्रोजेक्ट भी सफल होंगे। स्वास्थ्य में सरदर्द एवं पेट की गड़बड़ियां हो सकती हैं। बच्चों को गिरने से चोट लग सकती है। प्रेम में प्रेमी साथी से अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त नहीं होगा। वैवाहिक जीवन की कड़वाहट समाप्त होगी। श्री गणेश जी को जल एवं चंदन से स्नान कराएं। मिथुन राशि, शुक्र चंद्र एवं राहु का गोचर है। अच्छे मौके प्राप्त होंगे एवं वर्चस्व स्थापित होगा। कार्य समय पर होंगे एवं धन की आवक अच्छी रहेगी। गुरु केतु की दृष्टि से विरोधी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे किंतु विफल होंगे। नए कार्य करने को मिल सकते हैं। महिलाओं के लिए यह समय उपयुक्त रहेगा। तरक्की एवं उपहार के साथ परिवार का समर्थन भी प्राप्त होगा। प्रोफेशन में नौकरी में उन्नति एवं व्यापार में वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा में प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा एवं हुनर सीखने का मौका भी प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में पेट एवं कमर में परेशानी हो सकती है। दोपहर में सरदर्द बना रह सकता है पूरे सप्ताह। प्रेम में पुराने साथियों से मुलाकात होगी एवं वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त होगा। श्री गणेश जी को कच्चा दूध अर्पण भोग में करें। कर्क राशि, शनि की दृष्टि के कारण विचारों में द्वंद्वता रहेगी। यदि किसी के खिलाफ कुछ करने का विचार है तो थोड़ा ठहर जाएं, दाव उल्टा पड़ सकता है। प्रयास कठिनाई के बाद ही सफल होंगे। विघ्न करने वालों से सचेत रहें। बुधवार से आय के मामलों में कुछ सुधार हो सकता है। स्थायी संपत्तियों के मामलों में पक्ष मजबूत होगा एवं अनजानों से सावधान रहें एवं उधार किसी को भी नहीं दें।
प्रोफेशन में, कारोबार में नए निवेश से बचें एवं नौकरी में कागजात संभाल कर रखें। शिक्षा में अध्ययन के अलावा मन अन्य बातों में लग सकता है, प्रयास भी कठिन करने होंगे। स्वास्थ्य में त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं एवं बाएं पैर की उंगलियों में चोट लग सकती है। प्रेमी साथी के व्यवहार में सुधार होगा एवं जीवन साथी से तनाव बन सकता है। श्री गणेश जी को शहद एवं जल से स्नान करवाएं। सिंह राशि। राशि स्वामी सूर्य का प्रवेश होगा, कार्य में तेजी आएगी एवं प्रभाव में वृद्धि होगी। असहयोग करने वाले अनुकूल हो जाएंगे एवं आय में सुधार बना रहेगा। योजनाएं सफल होंगी एवं सही मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। मंगल एवं बुधवार को कुछ अनावश्यक परेशानी भी आ सकती हैं। गुरु एवं शुक्रवार शानदार व्यतीत होंगे। धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होना पड़ सकता है एवं शनिवार को आराम प्राप्त होगा। प्रोफेशन में रोजगार प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होंगी। कारोबार में व्यस्तता ज़्यादा रहेगी। शिक्षा में अध्ययन के प्रति सक्रिय रहेंगे एवं कक्षा में प्रदर्शन अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य में तनाव एवं आँखों में जलन की समस्याएं हो सकती हैं, आँखें लाल भी हो सकती है, ज्वर आ सकता है। प्रेम में प्रेमी साथी से सही ढंग से पेश आएं, अन्यथा नाराजगी हो सकती है। वैवाहिक संबंध मधुर बने रहेंगे। श्री गणेश जी को चावल का भोग अर्पण करें। कन्या राशि। प्रसन्नता प्राप्त करने का समय रहेगा, काम से दबाव हटेगा एवं आराम करने का मौका भी प्राप्त होगा। आय में भी सुधार दिखाई देगा। सहयोग की अपेक्षाएं पूर्ण होंगी। निर्माण कार्य में व्यय हो सकता है। विरोधी शांत होंगे एवं स्वयं को प्रभाव जमाने में सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह अंत में धन संबंधी कुछ परेशानी आ सकती है। पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका प्राप्त होगा। प्रोफेशन में, कारोबार में तेजी आएगी। नौकरी में कार्य करने में मन लगेगा। शिक्षा में पढ़ाई के अलावा अन्य बातों में ध्यान जाएगा। समय व्यर्थ में ही नष्ट होगा। स्वास्थ्य में पेट एवं बाएं कंधे में दर्द हो सकता है, चोट भी लग सकती है। प्रेम में प्रेमी साथी दुर्व्यवहार कर सकता है। वैवाहिक जीवन में सुख रहेगा। श्री गणेश जी को मिष्ठान अर्पण करें। तुला राशि। आज शाम से मंगल की दृष्टि से युक्त होकर हर ओर से बचाव होगा। नए कार्य के लिए प्रेरित होंगे एवं लाभ भी होगा। चंद्र की गति बड़े लाभदायक काम दिलवा सकती है। संतान से सहयोग मिलेगा एवं खुशखबरी की भी प्राप्ति होगी। न्यायालयीन एवं विवादित मामलों में पक्ष मजबूत बनेगा। सप्ताह अंत में परिवार का साथ प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर प्रसन्नतापूर्ण वातावरण रहेगा। प्रोफेशन में, व्यापार में वृद्धि एवं नौकरी में अधिकारी संतुष्ट रहेंगे। शिक्षा में प्रोजेक्ट समय पर पूर्ण होंगे एवं पढ़ाई के प्रति समर्पण रहेगा। स्वास्थ्य में नाक में चोट लग सकती है, बाएं हाथ में दर्द होगा। प्रेम में अनावश्यक बातें प्रेमी साथी से उलझन पैदा कर सकती है। वैवाहिक जीवन में शांति रहेगी। गणेश जी को खीर का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि। अज्ञात कारणों से चिंता हो सकती है। शुरुआत खराब होगी एवं धन की कमी महसूस होगी। बुधवार से स्थितियों में सुधार होगा एवं कार्य बनने लगेंगे। राशि स्वामी मंगल की दृष्टि विचलन समाप्त करेगी। स्वकार हेतु दूसरों के भरोसे नहीं रहें। आधुनिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। सप्ताह अंत में कुछ कार्य मजबूरी वश करने पड़ सकते हैं। पिता से तनाव हो सकता है। प्रोफेशन में, कारोबार में कर्मचारी संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी में अधीनस्थों से परेशानी होगी। शिक्षा में उच्च शिक्षा वालों के समय शुभ है। प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य में कंधों में दर्द होगा एवं मुंह में छाले की समस्या हो सकती है। प्रेमी साथी अनुकूल रहेगा एवं मुलाकात भी होगी। वैवाहिक प्रस्ताव की प्राप्ति होगी।
गणेश जी को शहद का भोग अर्पण करें। धनुराशि, गुरु केतु का गोचर एवं चंद्र की दृष्टि राजपक्ष से लाभ दिलाने वाली होगी। काम में तरक्की के साथ वर्चस्व भी स्थापित होगा, नए संपर्क बनेंगे एवं योजनाएं सफल होगी। शुक्र राहु की दृष्टि भी संपत्ति से लाभ दिला सकती है। न्यायालयीन मामलों में भी सफलता मिलने के आसार हैं। दोस्तों से सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह अंत में खुशखबरी की प्राप्ति होगी। परिवार का सहयोग भी प्राप्त होगा। प्रोफेशन में कारोबार अच्छा रहने की उम्मीद है। नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है। शिक्षा में मित्रों की मदद मिलेगी एवं अध्ययन के प्रति समर्पण भी रहेगा। शिक्षक भी अनुकूल बने रहेंगे। स्वास्थ्य में मूत्र विकार एवं पेट में जलन की संभावना है। सर दर्द भी हो सकता है। प्रेम में प्रेमी साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा एवं जीवन साथी से मदद प्राप्त होगी। श्री गणेश जी को आटे से बना हलवा अर्पण करें। मकर राशि, राशि में सुधार हुआ है। नाराज लोगों को मनाने में सफल होंगे एवं लक्ष्य प्राप्ति में भी सफलता प्राप्त होगी। योजनाएं सफल होंगी एवं सभी ओर से सहयोग प्राप्त होगा। चंद्र का गोचर गुरु एवं शुक्रवार को छोड़कर शेष सभी दिनों में अच्छी आय को प्रदान करेगा। मांगलिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा। सप्ताह अंत में निजता भंग हो सकती है, कोई व्यथित भी कर सकता है। प्रोफेशन में कारोबार के विस्तार की योजना बनेगी एवं नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शिक्षा में अध्ययन के अलावा अन्य कार्य करने पड़ सकते हैं। प्रोजेक्ट में पिछड़ने का भी भय है। स्वास्थ्य में पेट एवं कमर में तकलीफ हो सकती है। बाएं पैर में भी अचानक दर्द हो सकता है। प्रेम में प्रेमी साथी निराश कर सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। गणेश जी को घी एवं शहद भोग में अर्पण करें। कुंभ राशि, पंचम चंद्र एवं कल से सूर्य भी सप्तम हो जाएगा। यह योग आत्मविश्वास एवं भाग्य में वृद्धि करेगा। आय में सुधार पूर्व से ही जारी है। सप्ताह में कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। सप्ताह अंत में विशेष सुविधाएं प्राप्त होंगी एवं सबसे अच्छा समय रहेगा। कार्य की तारीफ होगी एवं परिवार में भी वर्चस्व रहेगा। आलस्य की वजह से नुकसान भी हो सकता है। प्रोफेशन में कार्यस्थल पर अनुकूल समय रहेगा। व्यापार में नए कार्य प्राप्त होंगे। शिक्षा में प्रदर्शन के समय उत्साह घट सकता है। कक्षा में पिछड़ने का भय है। स्वास्थ्य में गले में दर्द हो सकता है, इससे घबराए नहीं। आलस्य एवं नींद की अधिकता भी रहेगी। प्रेम में प्रेमी साथी से विवाद समाप्त होगा एवं जीवन साथी से लय बनी रहेगी। श्री गणेश जी को शाम के समय घी का दीपक लगाएं। मीन राशि, शनि की नजर एवं अन्य ग्रहों का दूर होना कुछ विचलित कर सकता है। चतुर्थ चंद्र भी आय में रुकावट उत्पन्न करेगा। मंगलवार से सुधार आने की आशा है। दूर रिश्तेदारी से शोकपूर्ण समाचार मिल सकता है। कार्य में संभल कर रहें एवं अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करें। सप्ताह अंत अपेक्षाकृत अच्छा रहने की संभावना है। मित्रों से मिलना होगा एवं समय सुव्यवस्थित रहेगा। प्रोफेशन में कार्यस्थल पर सतर्कता से कार्य करें एवं व्यापार में उधार देने से बचें। शिक्षा में पढ़ाई में मन रमा रहेगा एवं मित्रों की बातें प्रभावित नहीं कर पाएगी। इतर विषयों में भी रुचि होगी। स्वास्थ्य में आंखों एवं पेट में समस्या हो सकती है। अज्ञात भय चिंता बनी रहेगी। प्रेम में प्रेमी साथी से उलझने समाप्त होंगी एवं सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में भी सुख प्राप्त होगा। श्री गणेश जी को इत्र एवं चंदन अर्पण करें। InstaFeed.